पहली बात, जो लोग टाइटल में 5 मिनट पढ़ के आए हैं उनको बता दूं, 5 मिनट में मतलब नहीं होता। पर अगर स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट पूरी है तो हो भी सकता है, और अगर नहीं भी है तो 5 मिनट नहीं, 5 हफ्ते में हो जाएगा। तो इसीलिए ये वीडियो बनाई है। सो वॉच टिल एंड। सो मसल अप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सरसाइजेस, अ पुल अप एंड अ डिप। बट पुल टू डिप रेशियो स्ट्रेंथ वाइज इज वे टू मोर टुवर्ड्स द पुल साइड। सो मसल अप इज बेसिकली अ पुल एक्सरसाइज। There are no fixed requirements for the muscle up, but to have a good start, you should have 12 to 15 pull-ups, chin above the bar, and 8 to 12 straight bar dips. Before starting the video, पहले मैं आपको बता दूँ कि muscle up और भी types के होते हैं, जैसे dynamic muscle up और ring muscle up। इनमें requirements अलग होती है। We are talking about strict muscle up. तो जब आपके रेप 12 तक पहुंच जाए तो यू कैन स्टार्ट विद दीज एक्सरसाइजेस। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज हाई पुलअप्स। तो हाई पुलअप्स में आपको रेगुलर पुलअप्स की तरह ऊपर नहीं जाना, इंस्टेड ऑफ इट गो इन अ हॉलो बॉडी, क्योंकि मसल अप में आपको बार क्लियर करना है, तो डायरेक्टली चेस्ट बार पे नहीं मारनी, यू हैव टू गो इन अ सी शेप। हाई पुलअप्स में मैंने आपको बताया कि चेस्ट बार पे टच करनी है, पर ज़बरदस्ती चेस्ट बार पे टच नहीं करनी है, आपको नीचे से ही इतना तेज पुल इनिशिएट करना है कि चेस्ट बार को टच हो जाए। डूइंग हाई पुलअप स्लोली विल नॉट सॉल्व इट्स पर्पस। मसल अप रिक्वायर्स पावर। So we are doing high pull-ups to train one component of the power, that is speed. So to train the second component of the power, that is force, we have our second exercise, that is weighted pull-ups. Weighted pull-up में ऐसा weight लीजिए जिसमें आपका reps in reserve 2 to 3 हो first set में, ताकि आप हर हफ्ते 1 to 2.5 का increment कर सकें। तो जब आपके पुलअप्स बार को लोअर चेस्ट तक टच करने लग जाए तो आप टेक्निक सीखने के ऊपर काम कर सकते हैं। टेक्निक 1 से 2 दिन में आ जाती है। सो द फर्स्ट स्टेप इन द मसल अप इज स्विंग। ज्यादा स्विंग लेके भी मसल अप बेकार हो सकता है और कम स्विंग लेके भी मसल अप बेकार हो सकता है, तो हैव अ डिसेंट स्विंग। और अगर आप जंप करके बार को पकड़ रहे हैं तो जब आप बार को ग्रैब करते हैं तो आपकी बॉडी पीछे ही रहनी चाहिए, ताकि ग्रैब करने के बाद बॉडी स्विंग के साथ आगे जाए। वन मोर थिंग, बार को लोअर ग्रिप में मत पकड़िए, आइदर ग्रैब इट इन द सेमी फॉल्स ग्रिप और अ फॉल्स ग्रिप। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में जैसे ही आपकी स्विंग रुकती है और आप पीछे आने वाले हो, तभी आपको पुल इनिशिएट करना है। आप इसके लिए अपने आगे एक ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे मैंने बैंड रखा है। नेक्स्ट स्टेप इज किप। शुरू शुरू में किप बहुत जरूरी है मसल अप सीखने के लिए, तो इसमें आपको ट्राई करना है कि आप अपने नीज को चेस्ट पे मारने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज रोटेशन। इसके लिए आपको एक लो बार चाहिए जो आपके हाइट जितना हो या चेस्ट हाइट जितना हो, जिसमें आप इजीली जंप करके मसल अप कर सकें। तो आपको जंप करके मसल अप करना है और फोकस करना है रोटेशन पे। इससे एक माइंड मसल कनेक्शन बन जाएगा कि जैसे ही आप ऊपर तक पहुंचे, आपको रोटेट करके ऊपर जाना है बार के। नाउ द सीक्रेट सॉस टू योर मसल अप। अब आप हाई पुल भी कर सकते हैं लोअर चेस्ट तक, लेकिन बस ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे पुल से डिप में, तो अपने किसी एक फ्रेंड को बोलिए कि वो कोई भी एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट बार के थोड़ा हाइट ऊपर पकड़ के रखे, और आपको आप बार को नहीं देखना, आपको उस ऑब्जेक्ट को देखना है, ताकि आप उस ऑब्जेक्ट की हाइट तक पुल कर सके अपने आप को। इससे आप इजीली और हाइट गेन कर सकते हैं और इजीली ट्रांजिशन कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू लर्न योर फर्स्ट मसल अप। नाउ टू इंक्रीज योर रेप्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर फॉर्म, यू कैन डू दीज रूटीन्स। तो जैसे ही आपका एक रेप अनलॉक हो जाए, आपको एक रेप के सेट्स बढ़ाने हैं। तो आपने जैसे पहले दिन एक रेप के 4 सेट्स किए, तो आपको एक रेप के 10 सेट्स तक पहुंचना है।
जब आप 10 सेट्स तक पहुंच जाएंगे तो स्टार्ट विद 2 रेप्स, फिर 2 रेप्स के सेट्स बढ़ाने हैं, फिर 3 रेप्स के सेट्स बढ़ाने हैं, तो जब 4 टू 5 रेप्स होने लग जाए एक सेट में, देन एम करो 30 मिनट्स में मैक्सिमम मसल अप करने का, और हर सेट में 3 3 3 या 2 2 2 करने। उसके बाद बेकार फॉर्म के साथ आपने 30 मिनट्स में 30 कर लिए, तो नेक्स्ट टाइम अब स्टार्ट विद इंप्रूव्ड फॉर्म, जैसे पहले आप ज्यादा किप ले रहे थे तो अब आप कम किप लीजिए। उसके बाद 30 मिनट्स में इसके रेप्स बढ़ाने के बाद भी आप स्ट्रेट लेग किप के रेप्स करिए। फिर जब आप 30 मिनट्स में स्ट्रेट लेग किप के रेप्स भी ज्यादा करने लग गए हो और आपके स्ट्रेट लेग किप के साथ मसल अप 3 to 5 रेप्स हैं, तो आप क्लीन मसल अप अनलॉक कर लोगे। इसके बाद आप वेटेड मसल अप स्टार्ट कर सकते हो। वेटेड मसल अप बढ़ाने के लिए बेस्ट रेप रेंज है 1 to 5, और इसके बीच में रेस्ट टाइमिंग 3 मिनट्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। Meet you in the next video with another tutorial. Comment down below what tutorial you want next. Till then, like, subscribe, and share the video. I don't wanna see you finally, see you looking down and out. Coming to me crying, saying